ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जो अश्लील फिल्मों का दीवाना है, जिसे रियल सेक्स से ज्यादा मास्टरबेशन करना पसंद है। इस मूवी का नाम है डॉन जॉन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि वीडियो में सेक्स एंड मास्टरबेशन से रिलेटेड बातें बताई गई है। अगर आप ये सबसे जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, देन मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को आगे मत देखिए। तो मूवी शुरू होती है जॉन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जिसको उसके दोस्त डॉन जॉन नाम की निकनेम से बुलाते हैं, क्योंकि जॉन क्लब में किसी भी लड़की के साथ हुकअप कर सकता है। हम लोग जॉन के ही वॉइस ओवर में सुनते हैं कि उसे पॉर्न देखने और मास्टरबेट करना बहुत ही पसंद है, और उसका मास्टरबेट करने का एक पर्टिकुलर मेथड है, जिससे पहले वो मूड बनाने के लिए मॉडल्स की फोटोज देखता है, फिर वो एक परफेक्ट वीडियो क्लिप खोजता है। जब तक उसे उसका परफेक्ट वीडियो क्लिप नहीं मिलता, तब तक वो खुद को टच भी नहीं करता। वीडियो क्लिप मिलने के बाद उसके अंदर वो अपने आप को खो देता है। उसके लाइफ में कुछ चीजें ऐसी थी जो उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते थे, जैसे कि उसकी बॉडी, उसके घर की सफाई, उसकी गाड़ी, उसकी फैमिली, चर्च, दोस्त, लड़कियां, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पॉर्न। एक दिन वो पब में जाता है, जहां वो उसके दो बेस्ट फ्रेंड बॉबी और डैनी से मिलता है। वो लोग पब में मौजूद लड़कियों को पॉइंट देना शुरू करते हैं आउट ऑफ 10। तभी जॉन बार के पास रेड ड्रेस में एक लड़की को देखता है जो कि काफी ज्यादा हॉट थी। इस लड़की का नाम था बारबरा, जिसका रोल प्ले किया है स्कारलेट जॉनसन, एके ब्लैक विडो। बारबरा को देखते ही जॉन की आंखें बाहर निकल आती है और वो विदाउट सेकंड थॉट सीधा जाके उसे अप्रोच करता है। बारबरा भी उसमें इंटरेस्ट दिखाती है और दोनों डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद जॉन उसे किस करने लगता है, मगर बारबरा उसे रोक देती है। वो अपनी एक दोस्त के साथ पब से निकल जाती है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं रुकती। पहली बार जॉन किसी लड़की को वन नाइट स्टैंड के लिए मनाने में नाकामयाब हुआ था। वो फिर से क्लब के अंदर जाता है और एक हॉट लड़की के साथ फ्लर्ट करके उसे अपने घर लाता है। रात में दोनों के बीच इंटरकोर्स के बाद जॉन चुपके से दूसरे रूम में जाके पॉर्न देख के खुद को सेटिस्फाई करता है। जॉन खुद एडमिट करता है कि वो हर रोज नई लड़कियों के साथ रात बिताता है, मगर किसी वजह से उसे रियल सेक्स से ज्यादा सेटिस्फेक्शन पॉर्न देख के मास्टरबेट करने से मिलता है, क्योंकि पॉर्न में लड़कियां जो जो करते हैं, रियल सेक्स में लड़कियां वो सब करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जॉन के फैमिली में उसके माँ एंजेला, पिता जॉन सीनियर और बहन मोनिका थे। वो हर संडे को उनके साथ चर्च जाता था और प्रीस्ट के सामने कन्फेस करता था कि वो पूरे वीक में कितना बार सेक्स किया और कितना बार मास्टरबेट किया है। अब ये सब के बीच में जॉन बारबरा को भुला नहीं था, और उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद ये वही लड़की है जिसके साथ मुझे अनंत सुख का आनंद मिलेगा। वो उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसे खोजना शुरू करता है और फाइनली उसकी फेसबुक आईडी उसे मिल जाती है। वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और उसे लंच के लिए बाहर मिलने के लिए बुलाता है। फाइनली फिर से दोनों की मुलाकात होती है, जहां बारबरा पूछती है कि सच बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। जॉन कहता है कि अगर तुम्हें सच सुनना है तो सुनो, तुमसे सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। ये सुनकर बारबरा तुरंत उसके ऊपर इंप्रेस हो जाती है। फिर वो लोग एक मूवी देखने जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद दोनों रेगुलरली डेट पे जाने लगते हैं और दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक बार जब बारबरा के अपार्टमेंट के बाहर दोनों किस कर रहे थे, तब जॉन बोलता है कि अब हमें इंटीमेट होना चाहिए, मगर बारबरा कहती है कि ये सही समय नहीं है। पहले मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलूंगी, तुम्हारे फैमिली से मिलूंगी, तुम मेरे दोस्त और फैमिली से मिलोगे, उसके बाद कुछ हो सकता है। मैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहती हूँ, ना कि वन नाइट स्टैंड। ये सब के लिए जॉन मान जाता है, मगर फिर बारबरा कहती है कि तुम्हें मुझे एक और प्रॉमिस करना होगा कि तुम नाइट क्लासेस ज्वाइन करके अपना स्कूल पूरा करोगे, तभी तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी। दोस्तों, जॉन इतने सारे कंडीशंस को मानने के लिए रेडी नहीं था, मगर बारबरा जैसे लड़की को वो हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। इसके बाद उनके रिलेशनशिप के वन मंथ एनिवर्सरी में वो लोग अपने दोस्तों को बुला के एक क्लब में मिलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के फैमिली से भी मिलते हैं, जहां दोनों परिवार को जॉन और बारबरा पसंद आते हैं। फिर एक दिन नाइट क्लास के दौरान बारबरा जॉन को कॉल करती है और बोलती है कि वो रात को उसके अपार्टमेंट में आना चाहती है। जॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली वो दिन आ गया था जिसका वो बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। क्लास में वापस जाने के दौरान दरवाजे के पास जॉन एक लड़की एस्थर को रोते हुए देखता है और बिना कुछ बोले क्लास के अंदर चला जाता है। रात को बारबरा उसके अपार्टमेंट में आती है और फाइनली दोनों इंटीमेट होते हैं, मगर यहाँ प्रॉब्लम यह था कि जॉन बारबरा से भी सेटिस्फाई नहीं होता है और रात को चुपके से उठ के पॉर्न देखने लगता है। मगर अचानक बारबरा उसे पॉर्न देखते हुए पकड़ लेती है और उसके ऊपर भड़क जाती है, पर वो उसे झूठ बोलता है कि ये वीडियो उसके किसी दोस्त ने उसे एज ए प्रैंक भेजा है और वो कभी भी पॉर्न नहीं देखता। इस सुन के बारबरा शांत हो जाती है और उसे प्रॉमिस करवाती है कि वो आगे ऐसे वीडियोस नहीं देखेगा, जिसे जॉन मान लेता है। अब उसके लिए पॉर्न देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि बारबरा अपना ज्यादातर टाइम जॉन के अपार्टमेंट में बिताती थी, इसलिए वो अपने गाड़ी में या नाइट क्लास में पॉर्न देखता था, नहीं तो तब जब बारबरा अपार्टमेंट में नहीं होती थी। मतलब वो कितना भी कोशिश करे ये हैबिट को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन जॉन नाइट क्लास में पॉर्न देख रहा होता है, तब एस्थर उसके पास आके बैठती है और वो जॉन को पॉर्न देखते हुए देख लेती है। वो उसे कन्फ्रंट करती है कि क्या तुम क्लास में पॉर्न देख रहे थे। जॉन थोड़ा नर्वस हो जाता है और अपने डिफेंस में उसे मना करता है। नेक्स्ट डे हम लोग जॉन और बारबरा को एक मॉल में देखते हैं, जहां जॉन अपने रूम के लिए कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट लेने जाता है। ये देख के बारबरा थोड़ी चौंक जाती है और कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती तुम घर की सफाई खुद करते हो। जॉन कहता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, बल्कि मुझे घर की सफाई से लेकर सारा काम खुद करना पसंद है। लेकिन बारबरा उसके ऊपर फिर से भड़क जाती है और कहती है कि मैं मेरी मेड से बात करती हूँ, वो आके साफ कर देगी, और शादी के बाद तुम घर की कोई काम नहीं करोगे, बिकॉज दिस इज नॉट सेक्सी। बट जॉन मना करता है कि मुझे पसंद नहीं है मेरा रूम की सफाई कोई और करे।
दोनों के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है, मगर अंत में बारबरा कहती है कि इसके बारे में हम आगे बात नहीं करेंगे। फाइनल हो गया कि आज के बाद तुम घर की सफाई नहीं करोगे। दोस्तों, बारबरा अब धीरे धीरे जॉन को मैनिपुलेट करके उससे वो काम करवाती थी जो उसे पसंद नहीं था, मतलब वो काइंड ऑफ उसके लाइफ को कंट्रोल करने लगी थी। कहानी में आगे हम लोग जॉन को नाइट क्लास में देखते हैं, जहां एस्थर उसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है कि तुम ये नाइट क्लासेस क्यों कर रहे हो। जॉन बोलता है कि मैं सर्विस इंडस्ट्री में काम करता हूं और जॉब में ऊपर जाने के लिए मुझे स्कूल कंप्लीट करना जरूरी है। एस्थर पूछती है कि तुमने ये वाला क्लास को क्यों चुना। जॉन कहता है कि मैंने नहीं चुना, मेरी गर्लफ्रेंड ने चुना है। फिर एस्थर उसे कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे लाइफ का सब डिसीजन तुम्हारी गर्लफ्रेंड लेती है। इसे उनके जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। घर पहुंचने के बाद जॉन देखता है कि बारबरा एकदम अपसेट है और गुस्से में है। वो पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है, मैंने तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांगा था कि मुझसे कभी झूठ मत कहना। जॉन बोलता है, तुम क्या बोल रही हो, मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं है। बारबरा कहती है कि तुम आज के ही दिन में 46 पॉर्न साइट्स खोला है, इस बार तुम मुझे झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि ये तुम्हारे लैपटॉप की ब्राउजर हिस्ट्री में है। इस उनके जॉन कहता है कि हाँ, मैंने झूठ बोला था, बट सारे लड़के पॉर्न देखते हैं। दिस इज नॉट एट ऑल बिग इशू, तुम्हारे लिए मूवी जैसा है, मेरे लिए पॉर्न वैसा है। बारबरा कहती है, मूवी एंड पॉर्न डिफरेंट है, मूवीज के लिए अवार्ड मिलता है, पॉर्न के लिए नहीं। जॉन कहता है, पॉर्न के लिए भी अवार्ड मिलता है। इस सुनके बारबरा गुस्से में एकदम लाल पीला हो जाती है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है और बारबरा घर से निकल जाती है। अब आगे जॉन अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में वापस जाने की कोशिश करता है। वो रेगुलरली चर्च जाता है, दोस्तों से मिलने पब जाता है और घर में अनलिमिटेड पॉर्न देखता है। अब बारबरा काइंड ऑफ उसके लाइफ से चली गई थी, बट वो नाइट क्लासेस कंटिन्यू करके स्कूल को पूरा करने के लिए डिसाइड करता है। एक बार क्लास में जॉन एस्थर को देखता है और खुद जाके उसे बात शुरू करता है। यहां सीन कट होती है और हम लोग दोनों को कार में इंटीमेट होते हुए देख पाते हैं। इसके बाद एस्थर पूछती है कि तुम इतना ज्यादा पॉर्न क्यों देखते हो। जॉन कहता है कि पॉर्न से मुझे रियल सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो मुझे सेक्स से नहीं मिलता। मैं अपने आप को खो देता हूँ, बट रियल सेक्स में इट इज ऑलवेज वन साइडेड। एस्थर पूछती है कि क्या तुमने कभी भी विदाउट पॉर्न मास्टरबेट करने की ट्राई किया है। जॉन कहता है, नहीं। एस्थर कहती है कि अब ऐसा करो कि बिना पॉर्न देके मास्टरबेट करने की कोशिश करो। अगले पूरा वीक जॉन विदाउट पॉर्न मास्टरबेट करने की ट्राई करता है, बट नहीं कर पाता है। क्लास शुरू होने से पहले वो ये बात जाकर एस्थर को बताता कि मैंने पूरा वीक मास्टरबेट नहीं किया है, और दोनों क्लास बंक करके एस्थर के घर जाते हैं। वहां एस्थर जॉन से कहती है कि हालांकि ये तुम्हारा लाइफ है, बट तुम्हें तुम्हारा आदत बदलना चाहिए। तुम पॉर्न इसीलिए देखते हो क्योंकि तुम्हें पॉर्न में वो दिखाया जाता है जो तुम देखना चाहते हो, बट वो रियलिटी नहीं है। तुम जिस सेटिस्फेक्शन के तलाश में हो वो तुम्हें रियल सेक्स में भी मिल सकता है, अगर तुम उसे दिल से प्यार करो तो। इसके बाद तुम्हें पॉर्न देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो कहती है कि चलो एक काम करते हैं, एक साथ में नहाते हैं। जॉन बाथरूम में जाता है और एस्थर टॉवल लेने अंदर जाती है। हम देखते हैं कि एस्थर टॉवल निकल के वहां खड़ी होकर रोने लगती है। नहाने के बाद जॉन वापस लिविंग रूम में आता है और एस्थर को रोते हुए देखता है। वो पूछता है कि तुम बाथरूम में क्यों नहीं आई और तुम हर बार इतना रोती क्यों हो, क्या तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारा कोई प्रॉब्लम चल रहा है। एस्थर कहती है कि कुछ महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी हस्बैंड और बेटे की मौत हो गई है। इस सुनके जॉन चौंक जाता है और उसे उसके लिए हमदर्दी होता है। वो कहता है, सॉरी, मुझे ये नहीं पता था। एस्थर कहती है, इट्स ओके, तुम्हारे साथ बात करने से मैं कुछ देर के लिए अपने दुख को भूल जाती हूँ। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं, मगर इस बार जॉन काफी इमोशनल हो जाता है और हम लोग उसके फेस पे सेटिस्फेक्शन देख पाते हैं। नेक्स्ट डे जॉन बारबरा को मिलने के लिए बुलाता है और उसे झूठ बोलने के लिए सॉरी कहता है। बारबरा कहती है, मैंने तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांगा था जो तुम नहीं दे पाए। जॉन कहता है कि एक्चुअली तुमने मुझसे बहुत सारी चीजें मांगी थी जो मैं नहीं कर पाया। बारबरा कहती है कि तो इसमें गलत क्या है, एक रियल मैन को अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और कहती है कि इसके बाद कभी कॉन्टेक्ट मत करना। आगे हम लोग जॉन को रेगुलरली एस्थर से मिलते हुए देखते हैं, मगर इस बार वो जेन्युइनली खुश था। वो पॉर्न देखना भी बंद कर दिया था और कहता है कि एस्थर उसे पूरी तरह से समझती है। मैं जब भी उसके साथ होता हूँ उसके अंदर अपने आप को खो देता हूँ। लाइफ पे पहली बार मैं किसी लड़के के साथ एक जेन्युइन और मीनिंगफुल रिलेशनशिप में हूँ। और दोस्तों, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो ये थी डॉन जॉन की पूरी कहानी। मूवी के अंत में जॉन को रियलाइज होता है कि एक रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज म्यूचुअल होना चाहिए, जो कि बारबरा ने उसके लिए कभी नहीं किया। वो उसके सेक्स लाइफ को मैनिपुलेट करके उसकी सारी इच्छाएं जॉन के ऊपर थोप दिया। दूसरी तरफ एस्थर से मिलने के बाद उसे समझ आया कि एक रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना कितना जरूरी है। आजकल की जनरेशन में सेक्स के लिए पॉर्न एक गलत एक्सपेक्टेशन सेट करती है, जो कि हमें रियल सेक्स में नहीं मिलती। अगर आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हो देन आपको सिर्फ सेक्स में सेटिस्फेक्शन खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।